नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर शीना। आई एम अ फिजिशियन करंटली प्रैक्टिसिंग इन दिल्ली। आज मैं आपसे डेंगू बुखार के बारे में बात करने वाली हूँ, जो इस समय आफ्टर मॉनसून काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है। सबसे पहली चीज़ है, डेंगू का बुखार मस्कीटो के काटने से होता है। ये मच्छर जो डेंगू का वायरस कैरी करते हैं, ये ज़्यादातर रनिंग वाटर में नहीं होते, स्टैगनेंट वाटर, मतलब कि जहाँ पे छोटे छोटे पॉन्ड्स या लेक्स जहाँ पे पानी जमा हो जाता है, उनमें ये मच्छर पैदा होते हैं। और जिस इंसान को डेंगू का वायरस इन्फेक्ट होता है, उसको काट के अगर वो दूसरे इंसान को काटते हैं, इस तरह से ही ये डेंगू का बुखार फैलता चले जाता है। आज मैं बेसिकली तीन चीज़ों के बारे में बात करना चाहूँगी। एक तो इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं डेंगू के बुखार के, कब कब आपको रेड फ्लैग साइंस पहचानने हैं, कब कब आपको जानना है कि अभी कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है, और दूसरी चीज़ है इसका ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट। बुखार के बारे में बात करते हैं तो डेंगू का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, मतलब मच्छर के काटने से और आपका बुखार आने में कम से कम 4 से 10 दिन का समय रहता है। इसके सिम्टम्स होते हैं जैसे बुखार आना, खांसी होना हल्की फुल्की, या गले में खराश भी हो सकती है, पेट दर्द होना, सर दर्द होना, वॉमिटिंग होना, और बदन दर्द होना या जोड़ों में दर्द होना। ये सारे फेब्राइल फेज़ के सिम्टम्स होते हैं, जिसमें कि आपको ये सारी मामूली जो जैसे हमको सर्दी होती है, उस तरीके से सिम्टम्स आते हैं। दूसरी चीज़ होती है कि अब इसका जो रिकवरी फ़ेज़ होता है, जो फेब्राइल फेज़ का लास्ट फेज़ होता है, जिसमें हमारा बुखार भी सेटल हो जाता है, हमारा सर दर्द और बाकी की सारी चीज़ें सेटल हो जाती हैं, दैट इज़ द मोस्ट क्रिटिकल टाइम। उस समय पे जो प्लेटलेट्स होती हैं बॉडी की, वो गिरना स्टार्ट होती हैं। तो काफ़ी लोगों को लगता है कि अब हमारा बुखार ठीक हो गया है, हम बेटर फील कर रहे हैं, हल्की फुल्की वीकनेस है, तो अब हमें कोई चिंता नहीं है। लेकिन असली चिंता तभी से शुरू होती है, क्योंकि तभी डेंगू का बुखार कॉम्प्लिकेट होना शुरू होता है। प्लेटलेट्स गिरने स्टार्ट हो जाते हैं, प्लाज्मा लीकेज जिसको बोलते हैं, कि आपके शरीर में से कैपिलरीज में से प्लाज्मा बाहर लीक होने लगता है, जिससे छाती में पानी भरना, पेट में पानी भरना, शॉक होना, या फिर हेमरेज होना, मतलब कि आपकी कहीं से ब्लीडिंग हो रही है, कहीं मसूड़ों से, या फिर यूरिन के रास्ते या स्टूल के रास्ते, किसी किसी के कभी कभार दिमाग में भी ब्लीडिंग हो जाती है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर किसी भी जिसको डेंगू है, अगर उनको कोई भी ऐसी चीज़ हो रही है जहाँ पे बुखार सेटल होने के बाद ब्लीडिंग स्टार्ट हो रही है, या बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आ रही हैं, या कहीं पे रैश डेवलप हो रहा है, रैश के साथ ब्लीडिंग हो रही है, तो ये सारी चीज़ें आपको चेतावनी देती हैं कि ये डेंगू फीवर अब कॉम्प्लिकेट हो रहा है। बहुत ज़्यादा उल्टी आने का कारण ये रहता है कि हमारे पेट में एक तो पानी भरना, ऊपर से जो लिवर आता है उसमें सूजन होती है, एंड गॉल ब्लैडर में भी सूजन हो जाती है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। आपको सतर्क रहना है। अगर कोई इंसान थोड़ा सा होश खो रहा है, ड्राउजी हो रहा है, या बहकी बहकी बातें कर रहा है, इसका मतलब ये है कि कभी कभार मेनिंगो एनकेफेलाइटिस भी डेंगू कॉज करता है, या फिर जैसे कि मतलब दिमाग में इन्फेक्शन कॉज करता है। दूसरी चीज़ है कि अगर किसी के छाती में दर्द हो रहा है, या घबराहट हो रही है, पैल्पिटेशंस हो रही हैं, तो उसमें भी सतर्क रहना है। उसका मतलब ये है कि डेंगू आपके दिल को इफ़ेक्ट कर रहा है। डेंगू सारे ऑर्गन्स को इफ़ेक्ट करता है, ये मत सोचिए कि डेंगू सिर्फ एक बुखार और जैसे नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन होता है, उस तरह से नहीं है। इट कैन अफेक्ट एनी ऑफ द ऑर्गन्स। ट्रीटमेंट इसका इनिशियल फेजेस में सिर्फ सपोर्टिव ट्रीटमेंट रहता है, जो हम मामूली खांसी की, बुखार की, ये सब दवाएं देते हैं, पैरासीटामोल और ये सब देते हैं, यही इसका ट्रीटमेंट रहता है, सपोर्टिव केयर रहती है। बाद में अगर कॉम्प्लिकेट हो जाता है, तो उसका इलाज अलग तरीके से हॉस्पिटल में ही होता है। एंड दूसरी चीज़ है कि प्लेटलेट्स अगर 30,000 या 10,000 के नीचे गिरते हैं, ब्लीडिंग होती है, तो हम प्लेटलेट भी चढ़ाते हैं। सबसे आपको जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है अपने दिमाग में रखनी है, कोई भी आपको पेन किलर नहीं लेना है, कोई भी आईएम इंजेक्शन इस टाइम पे नहीं लगाना है, क्योंकि प्लेटलेट कम होने की वजह से आपको जगह जगह से ब्लीडिंग हो सकती है। तो एंड में हम बात करते हैं कि किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है अगर आपका डेंगू बुखार पॉजिटिव है। पहली चीज़ ये है कि बहुत ज़्यादा आपको पीने की चीज़ें, लिक्विड डाइट फॉलो करनी है। शिकंजी, ORS, नींबू पानी, नारियल पानी, जो भी आपको पसंद है, फ्लूड इंटेक ज़्यादा रखना है, क्योंकि डेंगू के बुखार में एक तरीके से खून गाढ़ा होने की क्षमता होती है। तो
तो अगर आप फ्लूड इंटेक ज़्यादा रखेंगे आपका खून पतला रहेगा, ऑल्सो थोड़ा सा वीकनेस बाद में रिकवरी में आपको हेल्प होती है। दूसरी चीज़ ये है कि बुखार जब तक आपका रहता है डेंगू के दौरान, आप अपना एक छोटा सा डायरी मेंटेन कर लीजिए जिसमें कि आप अपना टेम्परेचर चार्टिंग, आपके सिम्टम्स या कितने दिन से आपको बुखार आ रहा है सब कुछ नोट डाउन करिए, और जब आपका बुखार आना बंद हो जाए, शरीर में खुजली स्टार्ट हो जाए या रैश आना स्टार्ट हो जाए, तब आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करिए, सो दैट एक CBC आपका करा सकते हैं जिसमें कि आपका प्लेटलेट काउंट, आपका TLC काउंट जो एक टोटल ल्यूकोसाइट काउंट होता है वो हम देख सकें, आपका हिमाटोक्रिट मतलब आपका खून कितना गाढ़ा है कितना पतला है वो हम देख सकते हैं, और एक हीमोग्लोबिन लेवल हम आपका मॉनिटर कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है एक लिवर फंक्शन टेस्ट हम कराते हैं ताकि आपके जो लिवर में अगर सूजन है तो उसके एंजाइम्स कितने ज़्यादा डिरेंज्ड है वो हम देख सकते हैं। तीसरी चीज़ एक छाती का एक्सरे, एक अल्ट्रासाउंड आपके पेट का ताकि पानी भरा हुआ है तो कितना है, उसकी सिवियरिटी कितनी है, ये हम मॉनिटर कर सकते हैं। ये है सेकंड स्टेप। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप अगर आपका फीवर सबसाइड हो चुका है, आपको 5-6 दिन काफ़ी ज़्यादा हाई ग्रेड फीवर आके सर दर्द आके सब कुछ सबसाइड हो चुका है लेकिन अब आपको कहीं से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है या फिर आपकी छाती में दर्द हो रहा है या फिर बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आ रही हैं या आपको थोड़ा थोड़ा चक्कर आ रहा है, लग रहा है BP लो हो रहा है, ये सब चीज़ें अगर आपको लगती हैं या जिसको भी डेंगू पॉजिटिव है उनको ये चीज़ें महसूस होती हैं, तुरंत हॉस्पिटल रिपोर्ट करना है, बिल्कुल भी वेट नहीं करना है। प्लेटलेट काउंट अगर चाहे 1,00,000 भी हो या 80,000 भी हो लेकिन अगर आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है कहीं से, प्लीज़ रिपोर्ट टू हॉस्पिटल इमीडिएटली, देयर शुड नॉट बी एनी डिले इन दैट। द फोर्थ थिंग इज़ यू हैव टू कीप इन माइंड, लाइक आई सेड बिफोर, कोई भी IM इंजेक्शंस, कोई भी पेन किलर नहीं लेने क्योंकि पेन किलर्स प्लेटलेट को और नीचे की तरफ गिराता है। कोई भी दूसरा आयुर्वेदिक होम्योपैथी कोई भी इस टाइप का इलाज नहीं करना ये कह के कि इससे प्लेटलेट काउंट बढ़ जाते हैं। प्लेटलेट काउंट ही बढ़ाना सिर्फ डेंगू का इलाज नहीं है, तरह तरह की और भी चीज़ें होती हैं। IV फ्लूइड मैनेजमेंट भी हमको करना होता है, हमको कॉम्प्लिकेशंस भी मॉनिटर करने होते हैं जिसकी वजह से ये बुखार इतना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। ओके, सो दैट्स ऑल। फॉर एनी अदर फर्दर क्वेरीज यू कैन कॉन्टैक्ट मी, फॉर एनी अदर फर्दर असिस्टेंस ऑल्सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू सो मच।